नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा आयोजित ऑनलाइन कक्षा में भैया बहनों का स्वागत। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में पांचों की गणित की प्रथम प्रश्नावली संख्या से अध्ययन करेंगे। संख्याओं की तुलना, कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है और बड़ी छोटी का कैसे पता लगा सकते हैं, उसके बारे में तुलना करके पता करेंगे। सबसे पहले कुछ नियमों के अनुसार चलते हैं। संख्याओं की तुलना में जिसमें कि संख्याएं के अंक बराबर नहीं है, एक चार अंक की संख्या दूसरी पाँच की, या एक चार की दूसरी तीन की, एक छोटे ज़्यादा अंक की एक कम अंक की है, तो अधिक अंक वाली संख्या कम अंक वाली संख्या से सदैव बड़ी होती है। जैसे कि एक उदाहरण देखते हैं, जैसे प्रथम में पाँच अंक हैं दूसरी में चार अंक, इस प्रकार हम देख के ही पता लगा सकते हैं कि प्रथम पाँच अंक वाली संख्या बड़ी है, यानी 20,563 9,456 से बड़ी है। यदि संख्याओं के अंकों की संख्या बराबर है तो बड़ी छोटी का कैसे पता लगाएंगे, बच्चों देखते हैं। संख्याओं की तुलना में जिसमें अंकों की संख्या बराबर हो तो हम अंकों को बाएं से दाएं क्रम में देखेंगे, जो अंक बड़ा होगा क्रम में वो संख्या बड़ी होगी। जैसे 10,000 सबसे पहले देखेंगे, जिसका अंक 10,000 का बड़ा है तो वो संख्या बड़ी होगी। यदि दोनों समान है, उसके बाद 1,000 का अंक देखेंगे, यदि वो भी समान है तो सैकड़ा, फिर दाई, इस प्रकार देख कर जिस जहाँ पर दोनों में अंतर है या जिस संख्या का अंक उससे छोटा है या बड़ा है, तब उसमें अंतर करके हम छोटी बड़ी का ज्ञात छोटी बड़ी संख्या याद कर सकते हैं। क्योंकि 10,000, 1,000, सैकड़ा, दाई और इकाई के स्थान पर लिखे अंकों की तुलना के आधार पर छोटी और बड़ी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 38,427 दूसरी 38,472, इसमें 10,000 का अंक 1,000 का सैकड़ा का अंक समान है, परंतु दाई के स्थान पर अंक असमान है, यानी कि अंतर है उसमें। पहली वाली में 2 है, दूसरी में 7 है, तो 2 से 7 बड़ा है, तो इस प्रकार दूसरी वाली संख्या बड़ी होगी। अतः 38,427 से 38,472 बड़ी संख्या है। इस आधार से संख्याओं को बड़े से छोटे क्रम में, बड़े छोटे से बड़े क्रम में जमा सकते हैं। चल देखते हैं, जैसे 7,250, 48,751, 7,265, 45,049, 60,000 को छोटे से बड़े क्रम में लिखते हैं। सबसे छोटी संख्या होगी 7,250, उसके बाद 7,265, यानी हमने किस आधार पर इसको चयन किया, इसके दोनों चार अंक की हैं बाकी पांच अंक की हैं, तो उसके आधार पर तो इसमें 1,000 का अंक समान है, सैकड़ा का समान है और दाई में भिन्नता के आधार पर हमने इसका चयन किया। पांच दाई 6 से छोटी है, इसलिए 7,250 छोटी है, 7,265 उससे बड़ी है। आगे देखते हैं, बाद में पांच अंक की दो संख्या है, एक है 45,050 तो 48,751, तो देखते हैं तो इसमें 1,000 का अंक में अंतर है, एक में 8 है एक में 5, तो 45,049 48,751 से छोटी है। पहले आएगी 45,049, फिर 48,751, अंत में 60,000, 10,000 का अंक सबसे बड़ा है। अतः छोटे से बड़े क्रम को आवरोही क्रम भी कहते हैं, इसका विपरीत क्रम आरोही क्रम। जैसे कुछ संख्या है उसको हम आरोही, बड़े से छोटे क्रम में
पहले वाले को उल्टे क्रम में लिखेंगे, पहले छोटे से बड़े क्रम में लिखी थी, अब बड़े से छोटे क्रम में। 6453, 45879, 7645, 48099 को बड़े से छोटे क्रम में लिखना है। तो सबसे बड़ी संख्या हुई 10, 2 5 अंकों की संख्या है, तो उसमें इसी तुलना करते हैं। सबसे पहले दोनों 10,000 का अंक समान है, परंतु 1,000 का अंक में अंतर है, 8 बड़ा है 5 छोटा है, इसलिए सबसे बड़ी संख्या होगी 48,099। उसके बाद 45,879, 4 अंक की संख्या हम तुलना करते हैं, 1,000 अंक में ही अंतर है, 7 एक में 6, तो 7 वाली बड़ी है, 7646 और 6453। सबसे बड़ी इनमें संख्या होगी 48,099, सबसे छोटी संख्या 6053।